हेलो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं चर्चित व्यक्ति में कि इस वर्ष 2021 में चर्चित व्यक्ति कौन कौन है। तो सबसे पहले एक अभिनेत्री है सुरेखा सीकरी, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री सुरेखा सीकरी ये कहाँ की अभिनेत्री थी, बॉलीवुड की अभिनेत्री थी, वो भी फेमस थी, प्रसिद्ध थी। उसका निधन हो गया 16 जुलाई 2021 को। कब हो गया? 16 जुलाई 2021 को सुरेखा सीकरी जी का निधन हो गया। वो बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। इन्होंने जो फिल्में की हैं वो फिल्में देख लेते हैं कि कौन कौन सी फिल्में इसकी रही है। इन्होंने तमस, मम्मू, सलीम लंगरे पे मजरो, जुवैदा, बधाई जैसे फिल्में की थी। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। इन्होंने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो फिल्में थी जो 3 बार जो सम्मानित किया गया वो 3 फिल्में कौन कौन थी? तमस थी, मम्मू और बधाई हो। ये 3 फिल्मों के लिए उसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। तमस, मम्मू और बधाई हो, ये याद रखिएगा दोस्तों। अभिनेत्री कौन थी? सुरेखा सीकरी। और ये बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी जिसका निधन हो गया है। कब हुआ है? 16 जुलाई 2021 को। चलिए आगे बात करते हैं। और इसे जो मिला सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो सम्मानित किया गया, तो उसको सम्मानित किया गया था सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। उसमें जो कैटेगरीज होती है तो कैटेगरी था सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। हम आगे बात करते हैं दिलीप कुमार जी के बारे में, जो कि वो भी एक बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रह चुके हैं। उसका भी निधन हो गया है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को हुआ है। पहले दिलीप कुमार जी का निधन हुआ, उसके बाद अभिनेत्री सुरेखा सीकरी जी का निधन हुआ है। तो दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को हुआ है। उसका जो असली नाम था, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं कि दिलीप जी का असली नाम क्या था, तो उसका जो असली नाम था वो मोहम्मद यूसुफ खान था। क्या नाम था? मोहम्मद यूसुफ खान था उसका असली नाम। और इसका जो पहली फिल्म थी जिससे उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी वो फिल्म थी ज्वारभाटा, ये भी याद रखिएगा। ज्वारभाटा उसकी पहली फिल्म थी। और उसकी जो आखिरी फिल्म थी वो 1998 में उन्होंने 1998 में उन्होंने आखिरी फिल्म किला, जो कि सुपरहिट फिल्म थी, उसमें उन्होंने कार्य किया। तो पहली फिल्म ज्वारभाटा दिलीप जी की, जो उसका ओरिजिनल नाम था मोहम्मद यूसुफ खान नाम है। और उसकी जो पहली फिल्म है वो ज्वारभाटा और अंतिम फिल्म किला है। और उन्होंने 1998 में ये फिल्म किया था। उसके बाद सुनते हैं, उन्होंने अपने 5 दशक का मतलब 1 दशक = 10 साल होता, तो 5 दशक मतलब 50 साल का उसका करियर था। तो 50 साल एक बहुत करियर हो जाता है। 5 दशक लंबे करियर में जो उन्होंने फिल्में करी वो कौन कौन सी फिल्में? सुपरहिट फिल्में करी थी, जैसे मुगल-ए-आजम है, देवदास है, नया दौर है, तथा राम और श्याम जैसी हिट फिल्में उन्होंने दी है। और दिलीप जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था वर्ष 1994 में। और उसकी जो आखिरी फिल्म थी वो 1998 में थी, फिल्म का क्या नाम था? किला, ये याद रखिएगा। वर्ष 1994 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? दिलीप जी को, दिलीप कुमार को, जो उसका असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान था, ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं एसएस नरसिम्हा के बारे में। तो ये प्रोफेसर रह चुके हैं गणित के, प्रोफेसर एसएस नरसिम्हा, तो प्रसिद्ध गणितज्ञ एसएस प्रोफेसर एमएस नरसिम्हा का निधन 15 मई 2021 को हुआ है।
और वो जो है वह शोषाधि प्रमेय के लिए जाने जाते थे। किसके लिए? शोषाधि प्रमेय के लिए। ये याद रखिएगा कि उसे प्रोफेसर एम एस नरसिम्हा को किस लिए जाना जाता था? शोषाधि प्रमेय के लिए। और वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। कौन? प्रोफेसर एम नरसिम्हा, जिसका निधन हो गया है। वह विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे। अभी तक ये पुरस्कार किसी ने भी हासिल नहीं किया है। तो कौन थे? प्रोफेसर, याद रखे, प्रोफेसर एम एस नरसिम्हा। और ये किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन सा? किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति थे। अभी तक ये पुरस्कार भारतीय कोई व्यक्ति ने नहीं पुरस्कार पाया है। तो यह एक विशेष तौर से इसे आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और ये गणित से संबंध है तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रसिद्ध गणित जो है प्रोफेसर एम एस नरसिम्हा, याद रखिएगा। और इसे कौन सा पुरस्कार मिलता है? किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम भारतीय थे, प्रथम नागरिक थे। और इसे ये भी याद रखिएगा, इसे शोषाधि प्रमेय के लिए जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों।